आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए। अगर ये लाभ किसी ने दिया है तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मनु पांडे। इस वक्त बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, चाहे राजद हो, जदयू हो या फिर बीजेपी। इसके साथ सभी अन्य दलों के नेता भी चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो इस चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 3 रैलियां की, जिसमें रोहतास, अरवल और कैमूर में उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार और यूपी का तो चोली दामन का साथ रहा है। जिस तरह पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के रामगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम राम जन्मभूमि से बिहार में भाजपा के लिए वोट मांगने आए हैं। जैसे देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो देश के लिए वादा किया था वह करके दिखा दिया। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। मंदिर बनने में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, राजद और भाकपा माले थे। इन लोगों की वजह से ही निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। हमारे कश्मीर के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन फिलहाल अगर किसी ने हमला किया तो उसका राम नाम सत्य कर देंगे। योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की आम जनमानस के सुरक्षा के अलावा महिलाओं को विकास के साथ साथ आतंकवाद को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बिहार में 18 रैलियां करनी हैं, जिनमें से आज वो 3 रैलियां कर चुके हैं। भाकपा माले को ये सीट छोड़ दी, और भाकपा माले को सीट इसलिए छोड़ दी जिससे कि यहाँ पर फिर से उसी प्रकार के नरसंहार को पुनः ताजा किया जा सके जिसके लिए वह कुख्यात रहा है। मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है, और आज के दिन पर तो बिहार कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, और अब 5 वर्ष राष्ट्र को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए। आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए, कितने गरीबों को राशन कार्ड दिए, कितने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए, कितने गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिए, और कितने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में या स्वास्थ्य बीमा की कोई स्कीम इन्होंने दी, कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। अगर ये लाभ किसी ने दिया है तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर गरीब के लिए मकान, हर गरीब के लिए रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, हर गरीब के लिए विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, और हर गरीब के लिए शौचालय की व्यवस्था के साथ। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।